आप लोग सिटी टूर कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जैसे हमने देखा कि मिक्स रिएक्शंस है ट्रेलर को लेके, अगर आप लोग बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस। मिक्स नहीं यार, बवाल रिएक्शन है, लोगों को बहुत मजा आ रहा है। क्या तुम बोल रहे हो? लोग तो वेट कर रहे हैं, बड़ा खुशी से नाच रहे हैं लोग ट्रेलर देख के। तो आपका बेसिक सवाल ही थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि लव एंड हेट रिलेशनशिप पाकिस्तान और इंडिया का नहीं दिखाया हमने उस लिहाज से। वो एक प्रेमाइस है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। हमने ऐसा इंटेंशनली हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं दिखाई, उस लिहाज प्रेमाइस जिसपे कहानी बेस्ड है। जी सर, इनफैक्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान को थ्रू अ पर्टिकुलर करेक्टर्स, उनके अंदर एक जो बदलाव होना चाहिए और है, जो आपस में एक दूसरे की हम लोग फीलिंग्स को और इमोशंस को समझते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे हाईलाइट हुए हैं, वो इस फिल्म के अंदर मैसेज है, एंड दे आर ऑल पॉजिटिव मैसेजेस। अमित जी, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें किरदार के बारे में, और मोदी जी का नाम देखते ही मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते होंगे, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अगर किरदार के बारे में अगर थोड़ा बताएं। देखो, कॉम्प्लीमेंट तो इन टोटैलिटी में ट्रेलर को बहुत मिल रहे हैं। लोगों ने बहुत सालों बाद, शायद काफ़ी टाइम बाद, इतनी अच्छी लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म देखने का लोगों को मौका मिल रहा है। कोविड के दौरान इतने स्ट्रेस से हम सारे लोग गुजरे हैं, तो ये चाहिए। हम लगातार या तो साउथ की रीमेक देख रहे हैं या वो स्टीरियोटाइप लव स्टोरीज़ देख रहे हैं, कुछ ये आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेंट लोगों को देखने को मिल रहा है, तो रिव्यूज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव मिले हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर कि हमने यूट्यूब पर कुछ पाकिस्तानी लोगों ने भी हमारी फिल्म के ट्रेलर को रिव्यू किया है, अगर आप सर्च करो तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तानी लोग इस फिल्म को कितना पसंद करें, उनको भी बड़ा मज़ा आया। तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो आपने जो टॉम एंड जेरी या ऐसा कोई जो नोकझोंक वाला जो रिलेशनशिप हम हमेशा देखते आए हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी प्योर एंटरटेनमेंट ही पसंद है। वो जो होता है ना, वो हैंडपम्प उखाड़ना और ये करना, वो सब बहुत हो चुका। अब चाहिए कि आज का यूथ इंडिया और पाकिस्तान को कैसे देखता है, वो परसेप्शन लाना बहुत ज़रूरी था। हम तो ये कहेंगे कि हैंडपम्प उखाड़ने के दिन गए, हाथ मिलाने के दिन अब हैंडशेक करो। ऑल्सो जो है, हमने देखा कि ट्रेलर को बहुत, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी लोगों ने भी राइट रिव्यू किया है, कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन रिसेंटली अभी जो एक ट्वीट किया था पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने, तो हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताइए कि उसको लेके क्या रिएक्शन था, वो मतलब दूसरी दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, क्योंकि वो ऑडियंस नहीं है ना हमारी। उनका तो जो मकसद है, उनको एक इतना ही दिखता है, वही लोगों को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं ना कैरेक्टर। करेक्ट, हम क्या है फिल्म में? बेवकूफ, राइट। कोई बेवकूफ लोग ही आतंकवाद बन सकता है। करेक्ट, जिसके पास दिमाग है और इंटेलिजेंस है वो कभी आतंकवाद बन नहीं सकता। करेक्ट, तो ये उन्होंने ट्विटर पे जाके बेवकूफ़ी की है, पर ये जो भी एलिगेशन वो लगाए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि ये जिस ऑडियंस के लिए ये फिल्म बनी है उनको ये बहुत पसंद आ रही है, और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है इस फिल्म को देखने की। और रहा सवाल कि किसी देश का या किसी रिलीजन को नीचा दिखाने का, तो वैसा कोई इसके अंदर है ही नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो या किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी की बैशिंग हो। ये इससे ऊपर उठ के अगर हम कुछ हेल्दी कॉमेडी करते हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कहला जाता है, और तब जाके लोगों को सबको पसंद आती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कंट्री के हो, सबको एक रख के अगर एक हेल्दी कॉमेडी उसके वे में देखा जाए तो ये फिल्म सबको पसंद आने वाली है। और ही सवाल ये है कि इसी सवाल से मेरा कनेक्टेड सवाल है कि उन्होंने ये लिखा है कि आरएसएस ने जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें डिफेम करने के लिए ये फिल्म बनाई है, हिंदुत्व ग्रुप जो मुजाहिदीन का कोई ट्वीट आया, आरएसएस वालों ने ये फिल्म बनाई है जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए। तो उस पे हम क्या करें? वो लोग अगर सच में बनाए होते तो हमको इतना इंडिपेंडेंटली ऐसे मतलब स्ट्रगल करके पिक्चर नहीं बनाया, बड़े-बड़े चेहरे होते ना यहाँ पे। हम जो है एक एक छोटे छोटे शहर में, बड़े बड़े शहर में हाथ जोड़ के ऑडियंस को कह रहे हैं एक नई फिल्म को देखिए, इंडिपेंडेंट सिनेमा को बढ़ावा दीजिए। तो अगर हमारे पास वो चीज़ होती, जो पावर होती, तो एकदम दिल खोल के पिक्चर बनाते हैं। आप लोगों को भाग दौड़ नहीं दिखा रहे होते ना, मतलब यहाँ पे ऊपर कोई दो चार बड़ी बड़ी कंपनी के लोगो होते जो इसको प्रेजेंट कर रहे होते, प्रेजेंटर होते, कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते, थोड़ी और ग्रैंडनेस मिल जाए। और जो इतनी सारी फिल्में 14 अक्टूबर को आ रही है उनमें से शायद बाकी फिल्में भी नहीं आती।
करेक्ट करेक्ट बट लेकिन अगर आप ये कहते हैं अगर ये फिल्म की सक्सेस से अगर और लोगों को एंकरेज किया जाता है किसी ना किसी के जरिए तो हमें खुशी होगी कि चलो हमने हमारी मेहनत जो की वो सफल रही। अरे मेरा सवाल ये है कि फिल्म का शूटिंग कहाँ का हुआ, क्या पाकिस्तान को हमने मतलब वीज़ा अप्लाई किया था? ये फिल्म क्या पाकिस्तान में रिलीज होगी? नहीं वो तो अभी जो वहाँ पे ट्विटर पे वो लोग जो गरबा खेल रहे हैं वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में क्या होगा। हमने इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई है तो इंडिया में तो ये बिल्कुल रिलीज़ होने वाली है और लोग दिल खोल के इसको एंजॉय कर पाएंगे। और बाकी क्या पूछा सर आपने, कहाँ शूटिंग हुई है? तो हमने कोशिश की थी पाकिस्तान में ही शूट करें इसको, इनफैक्ट वीज़ा वगैरह भी हम लोगों ने सोचा था अप्लाई कर दें। फिर हमें ये लगा कि अगर हम वहाँ पर गए फिर ये एक्चुअल रियल लाइफ में जो हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी ये फिल्म भी वहीं पे बन गई तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। पता चला हम तो वापस आ गए, बेटी को वहीं रख लिया। तो फिर थोड़ा पास में एक जगह है कॉल हिमाचल प्रदेश। हमने पाकिस्तान को वहाँ पे क्रिएट किया है, पीओके को हिमाचल के अंदर। बेसिकली मनाली के अंदर सारी शूट हुई है, मनाली के आउटस्कर्ट्स में। बस थोड़े थोड़ा सिर्फ 2-2.5 दिन का रास्ता है। बट इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जब कल्चर पे आके या बाकी जगहों पर आके आप लोगों को इस तरह से धमकियां दे रहे हैं, सीधा सा फैक्ट है, इससे आप लोगों को क्या कुछ ये फील होता है कि भाई अनसेफ है या फिर ये रिस्की रिस्क वाला काम है या फिर मना के? सर मोदी जी की बेटी ऐसे लोगों के धमकियों से डर गई तो फिर हो चुकी ना बात सर, कैसे बनेगी ये फिर? ग्रेट सही। सर मोदी जी की बेटी टाइटल देने के बाद आपका कॉस्ट्यूम दिखे में इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई, उसके बारे में हमारा क्या कुछ है? यार सिंपल है यार, हम लोग दो पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसको किडनैप करके लेके यहाँ से गए हैं तो वहाँ पे लोग ना पकड़े इसलिए जबरदस्ती उसको बुरखा पहना है। और इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, वो आप एक ट्रेलर के बेस पे या एक पोस्टर को देख के कह रहे हैं कि बुरखा है, पूरी फिल्म में आप देखेंगे तो आपको बुरके के अलावा भी और भी बहुत कॉस्ट्यूम देखेंगे। ये जो कैरेक्टर, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म कि हिंदू लड़की को जबरदस्ती बुरखा पहनाया गया है लेकिन अंदर वो हिंदू है, तो किसी से अगर वो हेल्प भी मांग रहे तो हाथ जोड़ के मांग रही है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, तो दैट इज द रियल कैरेक्टर। इसको किसी भी रिलीजन के साथ जोड़ने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये रिलीजियस मामला नहीं है, ये पूरा एक फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर है कि जिसको एक हिंदू लड़की को अगर मुसलमान देश के अंदर पाकिस्तान के अंदर किडनैप करके लेके गए तो ऑब्वियसली बुरखा ही पहना के लेके जाएंगे ना, और वो कंफर्टेबल भी नहीं है बुरखे के अंदर क्योंकि उनको आदत नहीं है, तो क्या होता है, तो यही वो कैरेक्टर है फिल्म में। पिछले कुछ महीनों से कास्ट रिलीजन ये सब काफ़ी बढ़ावा मिला है बॉलीवुड को कि काफ़ी मूवी कास्ट में काफ़ी रिलीजन को दबाया जा रहा है या किसी हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये बहुत देख लिया हमने कास्ट में किसी मूवी में बिल्कुल। तो आपने जब ऐसा कंटेंट बनाने की सोचा तो आपको कुछ टफ हुआ, टफ लगा कि हम लोग ये कर रहे ऑडियंस का बैकफायर कुछ आए? नहीं तो पास में तो बहुत पास में तो इतनी फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं तो हम थोड़ी ना उस चीज से डरे, अच्छा कंटेंट है, अच्छी फिल्म है, आप देखिए उसका मजा लीजिए। पर आप जो बात करी वो तकलीफ हमें अपने जहन में थी कि हमें ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम इसलिए इसको एक अनबायस्ड फिल्म बनाएंगे और एक अनबायस्ड फिल्म बनाएंगे। तो हाँ वो तकलीफ की जो तुम बात करो वो तकलीफ वो जो तकलीफ जहाँ हो रही है वो तो ट्विटर पे बोल रहे हैं ना, बस उन्हीं को तकलीफ होनी है, उनको तकलीफ हो इसीलिए बनाई थी। इट टेक्स अ पेन टू मेक एन अनबायस्ड फिल्म व्हिच दैट इज द पेन व्हिच वी हैव टेकन। लेकिन आजकल बॉलीवुड में यू नो मूवीज बहुत सारी बन रही है बट देयर आर थिंग्स व्हिच इज नॉट गोइंग ऑन विद द बॉलीवुड पीपल, कि यार कुछ बनाना चाह रहे हैं लेकिन बन कुछ और जा रहे हैं, लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भाई दूसरी तरफ साउथ की कोई भी फिल्म आती है डब हो जाती है इंडस्ट्री इट बूम्स, भाई फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल में फ़र्क तो रहता ही है ना, तो जाहिर बात है कि फर्स्ट कॉपीज बनाते जाएंगे तो वो मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को। अब आपको एक ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल फिल्म मिल रही है, देखिए और फिर कमेंट कीजिए उस पर। बिल्कुल। दूसरा जो आपने कहा कि साउथ की फिल्मों को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर वो जो साउथ की फिल्मों में होते हैं ना बड़े ही रियल और आम लोगों के अपने कोई कैरेक्टर में से एक होता है वो हीरो वहाँ पे जो होता है, इसीलिए लोग तुरंत अटैच कर लेते हैं अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ उस कहानी के साथ। हमारी फिल्म के साथ भी हम जैसे कहते हैं कि मोदी जी की बेटी जो है वो पूरे भारत देश का रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेशन है। हम टीवी पे घर पे बैठ के टीवी के आगे जितनी बुराइयां करते रहते हैं कि यार ये क्यों नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में ये लोग, ये आतंकवादी ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी हम बुरा भला बोलते हैं वो उसी भाषा में पर्दे पे कहा गया है। तो वो सारे डायलॉग सुन के भी, वो सारी सिचुएशंस में आप खुद को रिलेट कर पाएंगे कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता या होती तो मैं भी पाकिस्तान में आतंकवादियों को यही जवाब देता। और इसी वजह से ये फिल्म जो है ना वो हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करती है और आज की जनरेशन स्पेशली जो आज का नया भारत जो है वो क्या मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान को, वो आतंकवाद से क्या कहना चाहता है, जो लोग आतंकवाद को फैला रहे हैं या उसको पाल पोस के उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जवाब यहाँ पे दिया गया है। दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा रिलेटेबल। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैंने पहले देखा, मुझे आप दोनों के कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे और जो लहजा आपने पकड़ा है, जो उच्चारण किया है और ये पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कश्मीरी कैरेक्टर्स है तो मेरे लिए बहुत एलियन लैंग्वेज था। तो मैं, मेरे कश्मीर से एक फ्रेंड है जो जिनकी एक्चुअली गांव 1.5 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, तो वो डायरेक्टर है, बॉम्बे में रहते हैं, तो उनके साथ बैठा और जाके डायलॉग्स पे, लिंगो पे उसका एक्सेंट क्या है डायरेक्ट, वो सारी चीज़ें उनसे पकड़ के रिकॉर्ड करवा के फिर मैं और विक्रम उसमें साथ में बैठ के काम किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे ये सुन के कि आपको वो लिंगो और वो सारी चीज़ें दिख रहा है, नोटिस हो रहा है। तो अभी तो ट्रेलर ही देखा है आपने, फिल्म 14 तारीख को देखोगे तो पूरी फिल्म में भी आई एम श्योर कि आपको मजा आएगा, दिखेगी आपको मजा आएगा। और कोई ऐसा यादगार रिस्पांस ट्रेलर देखने के बाद आपकी फैमिली फ्रेंड्स या फिर बाकी लोगों से मिला जो शेयर करना? हाँ मतलब बहुत सारे, इनफैक्ट आप में से ही किसी ने इनफैक्ट यहाँ पे मुझे आते ही बोला कि मोदी जी की बेटी पार्ट 2 कब अनाउंस कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही अच्छा जो है वो रिस्पांस है कि अगर अभी से अगर आप लोग इसको पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, पार्ट 1 रिलीज़ होने से पहले ही इतना ही प्यार सारी ऑडियंस का मिला तो डेफिनेटली हमारी मेहनत जो है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी, रंग लाएगी। और मीडिया के लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम लोग जितने भी सिटी टूर किए, हम जयपुर गए, चंडीगढ़ गए, गुजरात होके आए, हम लोग बहुत सारी जगह पे घूमे, वहाँ के जितने भी मीडिया वाले हैं वो सब आके बोलते हैं कि हम आपका इंटरव्यू स्पेशल इसीलिए करने आए हैं क्योंकि आपका ट्रेलर हमें इतना ढांसू लगा ना, अपनी उन वो लैंग्वेज में होता है, इतना ढांसू आपका ट्रेलर है कि बहुत कुछ इसके अंदर मसाला है जो हमें एक्सप्लोर करना है ये फिल्म देखने के बाद। रियल लाइफ में भी जो मोदी सरनेम है आपका जी, वो कितना मतलब कैसा रिस्पॉन्स देता है, मतलब जब आप लोग बोलते हैं अरे उनके फादर के सरनेम भी मोदी है तो उनके मोदी ही होंगे यार, वो क्या कैसा फील होता है यार। ये बात मैं सच कहूँगी आपको, ये प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक फ़र्क ये आया कि पहले क्या होता है ना कि अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक नॉर्मल तरीके से लिया जाता है कि मान लो मेरा नाम अगर अवनी शाह होता, हाय मैं अवनी पंचाल या अवनी शाह, तो उसको बहुत जैसे मैं बोलती हूँ हाय आई एम अवनी मोदी, तो वो एक मिनट के लिए ऐसे हो जाते हैं हर कोई, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, इंडस्ट्री से हो, अच्छा मोदी हो आप, हाँ ये बैठिए, तो वो एक पता नहीं एक रिएक्शन लोगों का बड़ा ही ऑर्गेनिक आता है मेरे साथ। और दूसरा ये नाम फिर कोई भूलता नहीं है फिर मुझसे चाहे वो 2 साल 5 साल बाद भी बात करे, दे ऑलवेज रिमेंबर मी के एक मोदी सरनेम के साथ वो एक्ट्रेस थी जिनको हम मिले थे, तो मिस मोदी बहुत बुलाते हैं मुझे, तो हाँ ये एक प्रिविलेज है। जी हाँ बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का साथ मिल जाए तो दिल्ली भी दिखाते हैं, अच्छा प्रीमियर करते हैं। और चूंकि ये लाइट हार्टेड कॉमेडी ह्यूमरस फिल्म है, प्यारा एक मैसेज भी है, तो हर मैं एज अ राइटर एडिसर एज अ हर फिल्म मेकर ये सोचता है कि वो क्यों ना इनको पूरे नो पूरे पार्लियामेंट को दिखाई जाए ये फिल्म। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि देर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज़, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो अलग होती है, और हमारी फिल्म जो है वो हमने दर्शकों के लिए बनाई तो वहाँ तक तो हम ज़रूर पहुँचा देंगे, लेकिन आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो दिल्ली भी पहुँचा देंगे इस फिल्म को। दिल्ली तो रिलीज होगी ये फिल्म, हाँ। दिल्ली तो जाएगी पहले में तो ज़्यादा आपको अच्छा होता है, असर नहीं लगता? हाँ पर सर अगेन फिर वही जो इंडस्ट्री के अंदर जो ये सारा कॉन्सेप्ट चलता आया है कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सब तो बड़े बड़े एक्टर्स और बैनर्स का ही बुक रहता है पहले से,
तो अगर हमारी फिल्म दिवाली पे रिलीज होती तो शायद हमें पता भी नहीं, थिएटर्स भी मिल पाते कि नहीं, पर्दे नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल, तो ये तो हम हर कोई चाहेगा। और क्या है ना, गिन चुन के कुछ ही फेस्टिवल ऐसे आते हैं जिसको पूरा देश मनाता है, बाकी सारे फेस्टिवल तो सिर्फ किसी कम्युनिटी या किसी स्टेट के हिसाब से लिमिटेड रह जाते हैं। दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ये सारे फेस्टिवल पूरा देश मनाता है। तो ऑब्वियसली जितनी भी फिल्में बनाते हैं, हर फिल्म मेकर चाहेगा मैं अपनी फिल्म दिवाली को रिलीज़ करूँ, अपनी फिल्म क्रिसमस में, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने इसीलिए 14 अक्टूबर रखी। दूसरा ये भी रीज़न था कि लोग डांडिया वांडिया खेल के, गरबा खेल के फ्री हो जाए, फ्रेश हो जाए और एक फ्रेश मूड से हमारी फिल्म देखे। तो दिन में दिवाली की शॉपिंग करो, शाम को हमारी फिल्म देखो। मैडम आपने साउथ में भी काफ़ी काम जी, और अभी हिंदी में काफ़ी काम कर रहे थे, कुछ अलग महसूस करते हैं दोनों इंडस्ट्री? हाँ मतलब फ़र्क है, जितना यहाँ का वर्किंग स्टाइल अलग है, वहाँ का वर्किंग स्टाइल अलग है, पर मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क नज़र आता है वो दोनों ऑडियंस में नज़र आता है। वहाँ की जो ऑडियंस है वो अपनी लोकल लैंग्वेज की सिनेमा को लेके इतनी डेडिकेटेड है, उनका पहला एंटरटेनमेंट जो है ना वो अपना प्राइमरी एंटरटेनमेंट उनका अपनी लैंग्वेज है, उसके बाद वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखना प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ लोग उल्टा करते हैं, सबसे अगर हॉलीवुड की फिल्म आई है तो लोग उसको बायस्ड हो जाते हैं, बॉलीवुड फिर रीजनल फिल्में आती हैं। तो ये फ़र्क मुझे लगता है ऑडियंस का मेजर है, जो जितना यहाँ तेज़ी से वो चेंज होगा वो फिर कामयाबी दिखाएगा कि बॉलीवुड की फिल्म है। और देखो ना आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्में कहने को रीजनल फिल्में हैं, लेकिन वो बॉलीवुड के बजट के इक्वल बनती है, उस लेवल पे, उस स्केल पे बनती है और उस स्केल पे रिलीज़ होती है। उसका एकमात्र रीज़न है कि वहाँ की ऑडियंस ने उसको इतना सपोर्ट किया हुआ है। थैंक यू सो मच।